आसना सौरेल, आप लोगों ने इनके नाम सुना ही होगा या फिर देखा ही होगा सोशल मीडिया पर। यूपीएससी 2023 के टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 116 हासिल करने वाली आईपीएस आसना सौरेल। आसना सौरेल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक ब्रॉड माइंडेड परिवार में हुआ था। इनको बचपन से ही वो सारे सुविधाएं दी जा रही थी जो कि हर बच्चे को शायद नहीं मिल पाती है। और आसना जी घर की बड़ी बेटी है और इनकी फैमिली को घर के बड़ी बेटी होने के नाते इनसे बहुत सारी उम्मीदें थी। आसना जी जैसे जैसे बड़ी होते चली गई, इनको किताबें पढ़ने के लिए दी जाने लग गई और इनसे बहुत उम्मीदें बांधी गई। स्कूल लेवल से ही इनको अपॉर्चुनिटी काफ़ी दी गई। उनके टाउन में बहुत अच्छी स्कूल्स नहीं थे तो उनको राजस्थान तक, उदयपुर तक पढ़ने के लिए मौका दिए गए थे। एजुकेशन को एक प्राइम मोटिव रखा गया और उनकी फैमिली के एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छे थे। जैसे जैसे आसना जी बड़ी हुई, इनका एकेडमिक की तरफ बहुत इंटरेस्ट आने लग गया और साथ ही साथ इनको ये भी लगने लगा कि एक फैमिली जो उनको इतना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रही है तो उनको बदले में वो क्या दे सकती है। उनको लगा कि वो एकेडमिक में बहुत एक्सेल कर जाएगी। ऑलरेडी इनके घर में PhD डिग्री होल्डर थे तो वो कितना ही कम्पीट कर सकती थी। तब वो सिविल सर्विस की तरफ आगे बढ़ी। उनको लगा शायद वो एक फील्ड होगी जिसमें उनकी फैमिली से कोई नहीं गया है, शायद वो उस फील्ड में कुछ नाम कमा सके और अपनी फैमिली को एक नए मुकाम पर खड़ा कर सके। और यहाँ से एक थॉट उनके दिमाग में आया कि वो सिविल सर्विस में जाएगी। ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद वो मास्टर्स में अपने आप को एनरोल करना चाहती थी, लेकिन बाद में रियलाइज किया कि कंटिन्यूएशन में मास्टर्स नहीं करना चाहेगी, उसके पहले वो एक ब्रेक लेना चाहेगी। उसके बाद वो UPSC की तरफ गई, UPSC के सिलेबस को पढ़ा और अपने लिए एक स्ट्रेटेजी सेटअप किया और एक साल तक वो इसी में ही लगी रही। उसके बाद आसना जी ने वापस से मास्टर्स में अपने आप को एनरोल करने की सोची। उसके बाद उसने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया और आज वो अपने मास्टर्स और सिविल सर्विस दोनों क्लियर कर लिया। आसना जी का ये जर्नी इतनी स्मूथ नहीं रही जितनी वो दिखती है। इस जर्नी में बहुत ज़्यादा फेलियर फेस किया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स फेस किया है। उसने प्रीलिम्स दो बार क्लियर नहीं कर पाई थी, ये थर्ड अटैम्प में जाकर प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। उनको लगा कि वो फर्स्ट प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई, सेकंड प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई, तो उस टाइम आसना जी अपने आप को फेलियर्स में गिरा हुआ पा रही थी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि अपने लाइफ को वो कैसे आगे ले जाए। उनको डाउट होने लगा कि उनकी लाइफ प्रोग्रेस कर भी रही है या एक लेवल पे आकर रुक गई है, नहीं चल पा रही है लाइफ आगे। जब आसना जी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तब उनको लगा कि इस फील्ड में एक अटेम्प्ट देना ही चाहिए, ये 2019 में उनको फील हुआ। आसना जी ने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2020 में दिया, उसमें प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी, अपने स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेस करके फिर सेकेंड अटेम्प्ट दिया। उसके बाद भी सेकेंड अटेम्प्ट में काफ़ी क्लोज आकर रह गई है प्रीलिम्स के। और फिर आसना जी ने अपना थर्ड अटेम्प्ट देने की डिसाइड किया, सेकेंड अटेम्प्ट को फेलियर ना मानकर इम्प्रूवमेंट माना, अपने स्ट्रेटेजी में कुछ चेंजेस करके फिर से थर्ड अटेम्प्ट दी। आसना जी को पूरा विश्वास था कि थर्ड अटेम्प्ट में लिस्ट में अपना नाम देखने की। 3 साल के लंबी जर्नी के बाद फाइनली सिविल सर्विस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उनका नाम लिस्ट में था। यह देख के आसना जी को बहुत खुशी हुई कि शायद लिस्ट में मेरा नाम हो, पर इतनी अच्छी रैंक कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी और रैंक भी जो वो चाहती थी वो उनको मिली। और उसके बाद और उसकी जो खुशी थी वो डबल हो गए। आसना जी अपनी सक्सेस मंत्रा हार्डवर्क बताती है। अगर बात करें तो उनके UPSC ऑप्शनल सब्जेक्ट की तो वो थी एंथ्रोपोलॉजी। उनकी UPSC के टोटल मार्क की बात करें तो वो थी 992 आउट ऑफ 2025 मार्क्स। आसना सौधरी जी का पूरा नाम है आसना सौधरी। आसना जी के डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1998 और उनके बर्थ प्लेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। वो शादी की बात करें तो वो अभी अनमेरिड है और रिलीजन की बात करें तो वो हिंदू है। और उनके फादर के नाम है अजीत सौधरी और मादर के नाम है
इंदू सिंह, उनके ब्रदर के नाम है आकाश सौरड़ी। इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आसना जी ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद से, एंड अपने कॉलेज की पढ़ाई की है लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन से, एंड अपना मास्टर्स डिग्री साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से की है। आसना जी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आसना जी ने बीए ऑनर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में एंड अपना मास्टर्स कंप्लीट की इंटरनेशनल रिलेशंस में। आसना सौधरी जी का इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर 1,87,000 फॉलोअर्स है। आसना सौधरी जी ने 12th में 96.5% लाइट है, यानी कि आसना सौधरी जी स्कूल कॉलेज में टॉपर रही है। आसना सौधरी जी को ट्रेवल करना बहुत पसंद है।